स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब हम बात करेंगे जब भारत का विभाजन हुआ, डिवाइड हुआ, पार्टीशन हुआ, उस समय की लाइफ के बारे में। ओके, चलिए आपका हिस्ट्री का ये सिक्स चैप्टर है, एट्थ क्लास है ना, सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 टू ए मासिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर्स। जो न्यू बॉर्डर्स बने थे दोनों देशों के, बोथ कंट्रीज पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, तो उस पॉपुलेशन मासिव पॉपुलेशंस के बारे में, जो बहुत सारी पॉपुलेशन दोनों बॉर्डर्स पे इधर से उधर गई थी, उधर से इधर आई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्वेल्ड, द काइंड्स ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज्ड एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकम डिफरेंट। यानी क्या हुआ, जब बॉर्डर्स बन गए और पॉपुलेशन पाकिस्तान की भारत आई, भारत की पाकिस्तान गई, तो जो प्रॉपर प्लेसेस थे वहाँ का हर चीज़ चेंज हो गया, वहाँ का बिल्कुल कल्चर चेंज हो गया, जॉब्स चेंज हो गई, कुछ न्यू बढ़ी, कुछ कम हो गई, तो इस तरह का काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले दोनों देशों में, बहुत कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस फियर्स राइटिंग बिगन, यानी डरे हुए थे किससे, क्या चालू हो गया था, दंगे फसाद हो गए थे चालू, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पार्टीशन के बाद कुछ दिनों बाद दोनों देशों में बहुत ही भयंकर, फियर्स लोग डरे हुए थे, क्योंकि दंगे चालू हो गए थे, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजन बेस पे था कि जहाँ मुस्लिम्स के एरिया जाना वहाँ मुस्लिम को भेज दिया जाए और मुस्लिम वाले एरिया से हिंदूज को निकाल दिया जाए, तो एक धर्म बेस कम्युनल राइट्स हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे या उन्हें घरों से निकाल दिया जा रहा था और उन्हें अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया था, ठीक है। चलिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न्ड, हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया, उनके घरों से उन्हें निकाल दिया गया, उनके घर जला दिए गए, लूट लिया गया। एज स्ट्रीम ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, और बहुत से ऐसे ही दिल्ली से पाकिस्तान के लिए लोगों को निकाल दिया गया। देयर पैलेस वाज टेकन बाई क्विली लार्ज नंबर ऑफ सिख एंड हिंदूज रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसा ही सेम वहाँ हुआ, वहाँ से सिख एंड हिंदूज रिफ्यूजीज को यहाँ निकाल दिया गया और यहाँ पे आके दिल्ली में उन्हें एज ए रिफ्यूजी लाइफ बितनी पड़ी। रिफ्यूजीज रूम्ड द स्ट्रीट ऑफ द शाहजहानाबाद, यानी जो रिफ्यूजीज थे सिख और हिंदूज जो पाकिस्तान से भगा दिए गए थे, उन्हें वहाँ से घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था, वो यहाँ आके दिल्ली में शाहजहानाबाद की जो गलियाँ थीं उनसे पटी पड़ी थी, भर गई थी, चारों तरफ यही लोग देख रहे थे, गलियों में, मोहल्लों में, जो भी जगह प्लेस बची थी वहाँ पे रिफ्यूजीज शरणार्थी ही दिखाई दे रहे थे। सर्चिंग फॉर मैनी एम्प्टी होम टू ऑक्यूपाइंग एट टाइम्स दे फोर्स्ड मुस्लिम टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टीज, ऐसा दोनों तरफ हुआ कि जो रह गए थे तो उन्हें फोर्सली किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना घर यहाँ छोड़ के चले जाएँ या बेच के चले जाएँ। ओवर टू थर्ड ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, दिल्ली के जो टू थर्ड्स मुस्लिम थे वो माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान में चले गए। ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबैंडन्ड, 44,000 घरों को त्याग दिया गया था, यानी छोड़ दिए थे पूरी तरह से। टेरराइज्ड मुस्लिम लिव्ड इन मेकशिफ्ट कैंप्स टिल दे कुड लीव फॉर पाकिस्तान, उन्हें घर छोड़ दिया तो उसकी वजह से वो कैंप्स बने उनमें रह ले जब तक उन्हें पाकिस्तान ना भेज दिया जाए, इस तरह के कैंप्स बनाए गए जो आज भी कैंप्स में लोग उस समय के अभी तक रह रहे हैं। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम ए सिटी ऑफ रिफ्यूजीज, इस समय दिल्ली भी क्या हो गई थी, एक रिफ्यूजीज सिटी बन गई थी, बहुत सारे रिफ्यूजीज यानी जो वहाँ से यहाँ आते हैं शरणार्थी वो हो गए, नियरली कितने हो गए थे, 5 लाख पीपल्स वर एडेड टू दिल्लीज पॉपुलेशन विच हैड ए लिटिल ओवर 8 लाख पीपल इन 1951, जो बढ़कर 8 लाख हो गए। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट वर फ्रॉम पंजाब, कहाँ से थे, पंजाब से, दे स्टेड इन कैंपस स्कूल्स मिलिट्री बैरिक्स एंड गार्डन्स, यानी ये सब लोग कहाँ रह रहे थे, कैंपस में, स्कूल में, मिलिट्री में, बैरिक में और गार्डन में, होपिंग टू बिल्ड न्यू होम्स, इस आशा में कि उन्हें नया घर मिलेगा, बनाया जाएगा। सम गॉट द अपॉर्चुनिटीज टू ऑक्यूपाई रेजिडेंस दैट हैड बीन वैकेटेड, अदर्स वर हाउस्ड इन रिफ्यूजीज कॉलोनीज, न्यू कॉलोनीज
सच एज लाजपत नगर एंड तिलक नगर कम अप एट दिस टाइम। यानी नई जो रिफ्यूजीज कॉलोनी बनी जो दिल्ली में आज आप देखते हैं लाजपत नगर और तिलक नगर, वो उसी का रिजल्ट है। रिफ्यूजीज आके यहाँ रहने लगे थे और ये न्यू कॉलोनी डेवलप हो गई दिल्ली में। शॉप्स एंड स्टॉल वर सेट अप टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द माइग्रेंट्स। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे अगर लोग रहेंगे उनके लिए घर मकान नहीं है, ऐसी जगह पे रहे हो तो वहाँ पे कई जो शॉप्स हैं उनकी डिमांड होगी। तो इस तरह से बहुत सारी शॉप्स ओपन हो गई, स्कूल एंड कॉलेजेस भी उस जगह पे बनने लगे। तो इस तरह न्यू कॉलोनी डेवलप हुई। द स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रिफ्यूजीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल दे रिप्लेस्ड। जो रिप्लेस हुए थे यहाँ से चले गए थे वहाँ पर, वहाँ से जो यहाँ आए थे उनके जो ऑक्यूपेशन से वो भी और स्किल्स वो बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे दिल्ली से कहाँ पे पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनके ऑक्यूपेशन और स्किल्स में दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस था। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ मोस्टली थे तो वो छोड़ के चले गए, और वहाँ से जो हिंदूज आए तो उनका सीधी सी बात ऑक्यूपेशन दूसरा होगा। जो मुस्लिम करते थे वो हिंदू उसमें मोस्ट एक्सपर्ट नहीं होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्टिसियंस। जो यहाँ से वहाँ गए पाकिस्तान वो मोस्टली आर्टिसियन थे, पिटी ट्रेडर्स एंड लेबरर्स। द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। जो वहाँ से आए या इधर उनमें लैंडलॉर्ड्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे। जो चेंज हुआ है उनकी ज़िंदगी, लाइफ चेंज हो गई, उनके ऑक्यूपेशन चेंज हो गए। दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स एज हॉकर्स, वेंडर्स, कारपेंटर्स एंड आयरन स्मिथ्स। मैनी हावर प्रॉस्पेर्ड इन देयर न्यू बिजनेस, और इनमें बहुत से प्रॉस्पेरड हो गए थे बिजनेस से। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियू ऑफ दिल्ली। जो लार्ज माइग्रेशन हुआ था पंजाब से, उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एज अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वाज ओवर शैडो बाई न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज। जो उर्दू कल्चर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, न्यू टेस्ट और सेंसिबिलिटीज आ गई थी इन फूड, ड्रेस एंड आर्ट, इन तीनों में। जो फूड था, ड्रेस था, आर्ट था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कल्चर था तो मुस्लिम फूड रहा होगा, मुस्लिम ड्रेस रही होगी, मुस्लिम आर्ट था, वो पूरी तरह चेंज हो गया। अब हिंदू कल्चर अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हो गई थी। ओके चलिए, इनसाइड द ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी के अंदर। मीन वाइल वट हैपन टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन शाहजहानाबाद। जो शाहजहानाबाद कैपिटल थी उसका क्या हुआ? इन द पास्ट मुगल दिल्लीज एंड कैनल्स हैड ब्रॉट नॉट ओनली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स। यानी जो कैनल्स बनी थी ड्यूरिंग मुगल पीरियड में, जो कैनल्स जो घर तक फ्रेश वाटर पहुंचता था, वट ऑल्सो वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक यूजेज, दूसरे डोमेस्टिक यूज के लिए भी होता था, यानी घरेलू कामों के लिए। दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज निगलेक्टेड इन द 19th century। यानी इसको निगलेक्ट किया जाने लगा था 19th century में, किसके जरिए? ब्रिटिशर्स के। द सिस्टम ऑफ वेल और वॉलीज आल्सो ब्रोक डाउन। यानी जो वेल्स बने हुए थे, कुएं, आपने देखे होंगे कुएं, आजकल पुराने जो कुएं होते हैं उनमें सीढ़ियाँ भी बनी होती थी, यानी सीढ़ियों के जरिए नीचे जाते थे, पानी भर के ऊपर तक लाते थे। तो इस तरह के जो बाउलीज उन्हें बोला जाता था, सीढ़ीदार कुएं जो होते हैं उन्हें बाउलीज इन उर्दू कल्चर में, उन्हें तोड़ दिया गया। एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट बट डैमेज्ड। और इसी तरह से वेस्ट होता था उनका, उस हाउस होल्ड जो घर में वेस्ट होता था वो चीज़ बनी हुई थी, उनको भी उन्होंने पूरी तरह डैमेज कर दिया। दिस वाज एट द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ऐसा समय था जब पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। द ब्रोकन डाउन कैनल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ द रिपीडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जो कैनल्स तोड़ी गई थी, जो पूरी तरह से अब आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रही थी, सेवा नहीं दे पा रही थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, इस वजह से तोड़ दिया गया था जो कैनल्स को। एट द एंड ऑफ द 19th century द शाहजहानी ड्रेन वर क्लोज्ड। यानी जो शाहजहाँ के समय बनी थी इस तरह की ड्रेन सिस्टम को बंद कर दिया गया। एंड न्यू सिस्टम ऑफ द ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। और ओपन सिस्टम यानी खुली नालियों को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम वाज सून ओवर वंडेंड एंड मैनी ऑफ द वेल्दियर इनहेबिटेंट्स कंप्लेंड अबाउट द स्ट्रेच फ्रॉम रोड साइड प्रीवियस एंड ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन। यानी जो वेल्दियर इनहेबिटेंट्स रहते थे उन्होंने शिकायत
करना चालू कर दिया। इस तरह की जो सिस्टम की जो ओपन था क्या होती थी, बदबू आती थी। द दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वाज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन ए गुड ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो मुंशी दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी थी वो बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी कि इस ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। यानी कि ओपन हो गई थी तो बदबू आता था, जो घर का वेस्टेज निकलता था, इन्फ्लुएंट निकलता था, और जो वेल्दियर लोग रहते थे रोड साइड में वो शिकायत करने लगे थे इस तरह की। एट द सेम टाइम 2 मिलियन ऑफ रुपीज़ वर बींग स्पेंड ऑन ड्रेनेज सिस्टम इन द न्यू दिल्ली एरिया। अब ये वो समय था जब लाखों रुपये दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पे खर्च किए गए। ओके चलिए, वी विल डिस्कशन टुमारो द डेकलाइन ऑफ हवेलीज। ओके आज इतना ही।